राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट गुरुवार को कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। पायलट ने खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात ज्यादा लंबी चल नहीं पाई। दोनों के बीच मुलाकात केवल 15 मिनट में ही समाप्त हो गई। आपको बता दें, सचिन पायलट ने पहले से ही विस्तार में चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से समय ले रखा था, लेकिन जितनी देर में ये मुलाकात खत्म हुई है उससे तो यही लगता है कि दोनों के बीच विस्तार में बात हो ही नहीं पाई। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद कहा था कि उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के ब्लूप्रिंट के अनुसार पार्टी में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 50% से ज्यादा पदों पर युवाओं को नियुक्त किया जाएगा, जिसके बाद राजस्थान में सचिन पायलट के भविष्य को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी। इसी के चलते पायलट खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन सूत्रों की माने तो खड़गे ने इस मुलाकात में कहा कि वे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले चुनावों को लेकर अभी व्यस्त हैं। उन्हें जल्द ही गुजरात निकलना होगा, अभी उनके पास समय नहीं है, वे आकर इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद पायलट भी वहां से लौट आए। बताया जा रहा है कि खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये दूसरी बार पायलट खड़गे से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन बात नहीं बन पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।